नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कैश बुक लिखने का तरीका। कैश बुक लिखने के लिए अधिकतर लोग ये सोचते हैं कैश बुक कैसे लिखें, कहाँ से लिखें। कैश बुक निकालने के लिए आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ जो इंडिया साइट पे है, आप उसमें से लिख सकते हैं। उसके लिए आपको नरेगा .nih.in पर ग्राम पंचायत में आना पड़ेगा। उसके बाद ग्राम पंचायत खोलनी पड़ेगी। उसके बाद तो आपको जनरेट रिपोर्ट में जाना। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में जाएं। उसके बाद ये अपना सिलेक्टेड ईयर्स करें, कोई सा भी ईयर्स, पुरानी देख सकते हैं तो पुरानी भी लिख सकते हैं, आप 17-18 लिख करें। उसके बाद कोई डिस्ट्रिक्ट चूज़ करें। तो बाद जनपद, उसके बाद पंचायत, नए से भंडोली करी और प्रोसीड कर दिया। उसके बाद एक को बताना चाहूँगा, एक ऑप्शन है कैश बुक फंड्स में जाके। फंड्स में कैश बुक पे ओपन करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक से 17-18 कुल देखो 16-17 पीछे की देख सकते हैं। पीछे की देखने के लिए हमें पीछे वाले को क्लिक करें। उसके बाद आप 1/4 या 16 से लेके 30/4 2016 तक, हम इसमें 1 महीने की देख सकते हैं, 1 महीने की देख सकते हैं। 1 महीने के अलावा आप एक एक महीने करके हम पूरी कैश मंथली कैश बुक देख सकते हैं, इसलिए आपको फ़ायदा है। देखो ये खुल के आ गया, पूरा पर डे का जो डाटा है, पर डे का जो एक्सपेंडिचर है वो खुल के आया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट लिखा हुआ है इधर और इधर पेमेंट लिखा हुआ है। अभी 0-0 दिखाई दे रहा है क्योंकि इस महीने ना तो कोई पेमेंट हुआ है ना ही कोई रिसिप्ट हुआ है। तो आप 5वें महीने का देखेंगे, अप्रैल का देखा हमने 2016 का, 5वां देख सकते हैं इस महीने का। यहाँ पे हम 5 किया, हम एक एक महीने का ही देख सकते हैं इसमें, एक एक महीने करके हम प्रत्येक महीने का देख सकते हैं कहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ। तो देखें यहाँ पे भी पूरा डेट लिखा रहा है, डेट आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। रिसिप्ट कीजिए पर डे, जो हमने डेट डाली पर डे का एक्सपेंडिचर होगा, और पर डे के हिसाब से जिस में एक्सपेंडिचर नहीं है तो वो नहीं है। हम 6वां महीने थे उसमें भी 0 है। देखिए हमने 6वां महीना डाला, थोड़ा वेबसाइट स्लो चल रहा है इसलिए। खोलने में थोड़ी समय लग रहा है, ऐसे आप बताना चाहूँगा इसके लिए आपको साथ ही साथ लिखते चलो तो बहुत बढ़िया है, और साथ ही साथ नहीं लिख रहे हो तो पीछे साल का पूरा लिख सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको साथ में साथ ही लिखना चाहिए, कैश बुक लिखने का कोई ज़्यादा वो कोई टिपिकल नहीं है, इसमें बहुत अच्छा है आय और खर्चा। तो आप देख सकते हैं दोनों सर खुले हैं, खुल गई हमारी। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ए दिखा आपको, ये आपको 3 ब्लू लाइन में दिख रहे हैं, ये मस्टर है, मस्टर में निकले हुए हैं देखो, और ये नीचे भी निकले हुए हैं और 20/6 में निकला हुआ है। तो देखो ये खर्चा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 63,961। ये भी देखो ये 8 ईयर का और निकला है 71,970 इस महीने में। ये खोल के भी देख सकते हैं लेकिन हालांकि वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए ये अभी खुल नहीं रहा है। हम इसको खोल के देख सकते हैं, खोलने के बाद इसको आप देखिए इधर भी क्लोज जो आय है हरे वाले उसमें दिख रहा है 63,961। नीचे देखेंगे तो उसका टोटल वो भी दिखाएगा क्योंकि हमें खर्चा भी कर रहे हैं तो हमें आय भी तो वहीं से प्राप्त हो रही है, इसलिए हमें आय प्राप्त आय और कुल खर्चा ये भी सब निकल सकता है। आप देख सकते हैं ये कैश बुक लिखने का बहुत बढ़िया तरीका है, आपको अगर लिखना है तो साथ ही साथ में लिखें, एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आप सभी लोगों से मेरा कहना है
कैश बुक लिखने का बढ़िया तरीका है। कैश बुक से आपको ना तो कहीं मास्टर वाउचर ये देखने की जरूरत पड़ेगी, आपको सब कुछ सीधा यहीं से वेबसाइट से मिल जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप कैश बुक वहाँ से मास्टर वाउचर से भी लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये ज़रूर मिलान कर लें कि अपना कोई डाटा सही गलत है तो है, सही तो नहीं है।